दोस्तों सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर लेकर आया हूँ आपके लिए आभूषणों की शानदार ट्रिक। दोस्तों तो आज हमारा दोस्तों पांचवा पार्ट है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको अंगूली के और कमर के आभूषणों की ट्रिक। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक जो है, जिसके बारे में हम बताएंगे अंगुली के आभूषण, जो हाथ की अंगुली है उसके आभूषणों के बारे में। तो इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों, हाथ मुँह पवित्र दामन की आस माँ पीछा करें। ट्रिक शानदार है दोस्तों, याद भी आसानी से हो जाएगी। इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जिससे आपको आसान नहीं हो आंसर देने में। दोस्तों तो हाथ मुंह पवित्र दामन की आस माँ पीछा करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई ट्रिक, जिससे हाथ से अपन याद रख लेंगे कि ये हाथ की अंगुली के आभूषण है। पहला काम तो ये है। फिर हाथ से याद रखना हथपान या हथफूल, ये हाथ से याद हो जाएगा दोस्तों। मुँह से याद रखना दोस्तों मुंदड़ी। पवित्री से याद रखना दोस्तों पवित्री हो जाएगा पवित्र से। दामन से याद रखना दोस्तों दामन, दामन से याद रखना दामना या दामणी, ये भी आसान हो गया। ठीक है, आस अब है दोस्तों, आस आस से क्या याद रखोगे, आस से अरसी और आरसी, ये दोनों याद रह जाएगी आस से। ठीक है, माँ से दोस्तों याद रखना माँ से माछली हो जाएगी, क्या हो जाएगी माँ से माछली। पीछा से याद रखना दोस्तों, पीछा से पछेली हो जाएगी और पूंछिया हो जाएगी, ये है इसकी ट्रिक। और ये जो छा है लास्ट में, इससे छा से हो जाएगा अपना छाप या छलकड़ी। ये दोस्तों हाथ की जो अंगुलियां हैं उन सभी के आभूषण हैं दोस्तों। पैर की अंगुलियों के अलग आभूषण हैं, उसको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और जो याद है अपन को वो कौन कौन से हैं, बीटी जो अपन को आसानी से याद रहते, अंगूठी, मुंदरी और मुद्रिका, ये तो अपन को याद रहती है, तो इनको तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी जो ट्रिक है वो आपको मैंने बता दी है। तो अब नेक्स्ट वाला है अपने जो कमर का आभूषण है, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कमर में कौन कौन से आभूषण होते हैं। तो इसकी भी आसान सी ट्रिक है, कमर जंजीर सटाकर डोर मेखला तक, कमर जंजीर सटाकर डोर मेखला तक, ये भी ट्रिक आसान है दोस्तों। 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, तो जिससे आपको ऑप्शन में आएगा उसी के अनुसार आपको ये याद हो जाएगी दोस्तों। कि आपको पूछ लें कि जंजीर कहाँ का आभूषण, तो जंजीर तो बता दोगे, करदनी भी बता दोगे, कंदोरा नहीं बता पाओगे तो कंदोरा से याद रख लेना। कि इसी में अब आपको बताऊंगा मैं कि कैसे याद रखनी है ट्रिक। ये तो याद रख लेना कि कमर जंजीर सटाकर डोर मेखला तक, ठीक है, इससे याद रखोगे कमर से कि ये कमर के आभूषण है दोस्तों, कमर के आभूषण है कमर से। जंजीर से याद रखना, ये तो जंजीर भी याद हो जाएगी, जंजीर से जंजीर, ये भी कमर का आभूषण है। सटा से दोस्तों याद रखना सटका, सटा से क्या याद रखोगे सटका। कर से करदनी हो जाएगी दोस्तों, और कर से कणकती और कणगावली, ये तीनों इसी से याद हो जाएगी कर से। डोर से याद रखना दोस्तों, डोर से क्या क्या आ जाएगा, देखो कंडोरा के अंदर डोरा लिखा हुआ है लास्ट में, तो कंडोरा इसी से आसान से याद हो जाएगी कि डोरा से अपन याद रखा था डोर से कंडोरा। एक हो गया कंदोरा, एक हो जाएगा कणदोरा, ये दोनों तीनों ये दोनों तो एक ही है दोस्तों, बस शब्दों का फर्क है थोड़ा थोड़ा, तो इसको याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, और मेखला से क्या याद रखोगे, मेखला से याद हो जाएगा आपको कि ये मेखला भी यहीं की कमर की आभूषण है। तक से याद रखना दोस्तों तकड़ी, ये भी कमर का आभूषण है दोस्तों। तो ये है कमर के आभूषण, मैंने बता दिया आपको। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें दोस्तों और आगे बढ़ते रहें।